हमने कोशिश की इसको दवाई वगैरह देने की, लेकिन हील नहीं हो रहा है। सेल रस्सी से क्यों नहीं ट्राई कर रहे भाई? हाईवे है ना, तोड़ेगा कुछ फिर फायदा कोई नहीं है। अगर बड़ा है ना एग्रेसिव है ये, तो आपने भी काइंडली सेफ हो के अपना ये करना। बस रुको, बस छोड़ दे, जान दे। बैठने दो दोबारा, फिर बैठेगा ये। 0.8 और दे देते, और दे रहे नहीं। बस रुका, ओए जान जान दे, यहाँ से ना नीचे उतार देने। बस दे 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 दे, अब यहाँ नीचे बस इसमें डाल लेंगे ना, नहीं डालेंगे तो भागेंगे आप पीछे, टेंशन क्यों है। इधर भागना है, पैंट ऊपर कर लूँ फिर मैं अपनी। मैंने तो कर लिया, उठ गया। हे प्रभु भोलेनाथ, क्या हो नंदी भगवान, उठ जा उठ जा। बहुत गंदे कीड़े हैं इसके, इसका जो जख्म है ना उस पर मक्खियाँ वगैरह बैठ रही हैं, तो इसको इरिटेशन जो जीभ से कर रहा है, जीभ से तो वैसे हील होता है, लेकिन यहाँ पे जख्म और बढ़ रहा है इसका। अब जब जानवर अपना घाव चाटते हैं तो उससे मिट्टी हट जाती है, मक्खी के अंडे हट जाते हैं, दूसरा जो सलाइवा है उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वुंड जो हीलिंग है अच्छे से हो जाती है। और वही है ना कि किसी अच्छी चीज़ की भी आदत पड़ जाए तो वो सही नहीं होती। अब जैसे ये स्पॉट जी महाराज ने अपना जो घाव है 10 साल से चाटना छोड़ा नहीं है, और इसको शर्म आ रही है तो भाग गया है, और इसलिए इसका वुंड जो है हील नहीं हुआ। बस बस आ गया आ गया आ गया। भाभी तो कूद गया, जम बड़ी देर ठीक जम मारा इसने। एक मारा ऐसे ऐसे और फिर रस्सी पार। ये सारा जितना भी तामझाम हुआ ना, ये बहुत ही फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर हुआ कि ये बैल गाड़ी से कूद गया। संजय भैया और नवीन भाई गाड़ी में थे, मैं और साहिल पीछे बाइक पे थे। जैसे ही गाड़ी रुकी हमने अपनी बाइक रोकी और हम उतरने ही लगे, हमारे उतरने से पहले वो बैल ज़मीन पे था। सॉरी गाइस, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कैप्चर एवरी मोमेंट ऑफ द रेस्क्यू। नहीं तो ये स्टेपनी, ये स्टेपनी पे चढ़ रहे हैं यार, इतनी बड़ी जीप थोड़ा कूद सकता कोई। पीछे रोक लो, पीछे रोक लो। अब तो बड़े प्यार से जा रहे हैं, अब देखते हैं दोबारा ना कूदे। कूद रहा ना है, रुको रुको सर, ऑलमोस्ट कूद गया भाई, गाड़ी नहीं रुकती तो कूद गया था, अब नहीं कूद सकता। क्यों? किसी को फायदा पहुंचाने के लिए आपको उसको थोड़े समय की तकलीफ देनी पड़ रही है, मुझे नहीं लगता कि वो क्रूअल हुआ। क्रूअल तो वो हुआ कि आप अपने सुख के लिए किसी और को दुख दे रहे हैं। ये गाड़ी जैसे तेज हो रही है ना, तो ये बस घबरा रहा है ना, कूदना स्टार्ट कर दे रहा है। पता नहीं चला जब ये कूदने वाला था, पता लगा इतने रोकी इतने कूद गया। 15 सेकंड में गलत है और कुछ नहीं। कैसे किया था तुमने, है क्यों गया था तू पतरी में, क्यों कूदे था फेंस में खेतों में, ऐसे करते करते थे हमेशा करते। सर वो पता क्या कह रहा है, कह रहा है मेरी जगह थी, इंसानों ने कब्जा कर लिया था। अब कितना टाइम लगेगा ठीक होने में पता देखो। ये थोड़ा सा कट, ये तो सेड भी है। हाँ और ये दूसरे में भी अलग से, दूसरे में कम जा रही है पर इसमें पूरी फट गया है, दोनों टेस्टिकल में है। हाँ दोनों फट गए हैं, ये आइवरमेक्टिन डाल रहे हैं इसमें ना कीड़ों के लिए। इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है कि हाथ नहीं घूम रहा, देख लो पानी के बीच में गैप ही नहीं है। ये चंदा है जो हमारे यहाँ 2 प्रोलैप्सिस के साथ आई थी, और फिर हमें पता लगा था कि ये प्रेग्नेंट भी है और इसकी प्रेगनेंसी का संबंध सीधा सीधा इसके प्रोलैप्स से था, तो इसलिए फिर हमें इसको अबॉर्शन की दवाई 72 घंटे पहले देनी पड़ी थी। बच्चा उल्टा पीछे वाला पोर्शन बाहर है, पहले अबॉर्ट कर रहे हैं ना 72 घंटे पहले। सर कन्फर्म नहीं अभी तक बच्चा मरा है नहीं मरा है, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है ना देखने के लिए। ये पैर निकला सर, पैर है पीछे वाला, खुद नहीं लगा, नहीं लगा रही ना जरा भी, पहले कर रही थी कुछ प्रेशर लगा रही थी। ये क्यों नहीं खुल रहा है इसका, नहीं इन्फेक्शन तो इतना ज़्यादा खुले रखा है, सूजन है दर्द हो गया।
अच्छा ये अड़ा था ना। ओए बच्चे नहीं। हाँ। छोड़े। बहुत प्रेम छोड़े। नहीं बचेगा वो तो वही। चुप इसी हुई है चुका भाई। हिंय। पिछलियाँ टंगा दे। क्योंकि जब ऊपर है। दे दिया। इससे क्या होगा? उल्टा करने से म्यूकस वगैरह होगा जो नाक में वो निकल जाएगा इसका। लंग्स बने ही नहीं है अभी तक। हेड साइज से कितना बड़ा? ब्रीद ही नहीं कर रहा है। अंडर प्रोसेस ही था। दिखाना है लाओ। बन्ना बच्चा ढूंढते रहेंगे ना ये। कहाँ गया? परेशान होगी, स्ट्रेस में आएगी। तो चार लगी, पता लग जाएगा, मर जाएगी, मर गए तो लेने दो आगे। किस चीज़ का पानी है ये? वो इंटरलाइट पाउडर मिला है ना इसमें डिहाइड्रेशन के लिए। पिया पानी इसने? नहीं पिया है, जरा नहीं पिया। साहिल ने बोला कि थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं, खड़ी होती है तो अपना प्रोलैप्स अंदर होगा। ये देखो निकल, यही है क्या साहिल? हाँ उसके लिए जोर लगाइए ना। खुद से निकल जाते हैं ना, निकालने की जरूरत नहीं है। ये 12 18 घंटे में बस ध्यान रखना है कि निकल जाए ना। यूट्रोटोन दे रहे हैं इसको कि जो प्लेसेंटा है इसकी वो इजीली बाहर आ जाए। तो पैर खराब हो गया ना, शायद वो पहले फुट एंड माउथ वाली जो बीमारी थी उससे हुआ है पहले। कि थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट तो हम करते रहते हैं इसका, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है इसको। और ऐसे अभी 3-4 और केसेस हैं उधर ही। इसका तो काफ़ी बार करवाया हमने ट्रीटमेंट ना, वो 3-4 जो है उनका भी करवाया, लेकिन वही है दिक्कत कि आज यहाँ होंगे कल वहाँ, रोज़ प्रॉपर हो नहीं पाता ना, क्योंकि डॉक्टर नहीं मिलते, कभी लोग पकड़ने वाले नहीं मिलते हैं। नवीन जी हैं काफ़ी सारे रेस्क्यूज़ के लिए हमें कॉल करते हैं। ये वाला बैल भी जो है इसके लिए 1.5 महीने पहले कॉल आई थी, और लेकिन लगातार बैलों के केस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं अभी, और मैगेट वून की वजह से समर सीज़न है, जगह तो अभी नहीं बनी, लेकिन हम बाहर अब रख सकते हैं ना, बारिशें नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर अभी शिफ्ट करवाने के लिए कह दिया। अंदर लेके चलते हैं। इसका ट्रीटमेंट अभी करेंगे ना? हाँ आज सुबह, आज सुबह का मेला लगा हुआ है सुबह का। कल सुबह इतने ज्यादा आउट पेशेंट यहाँ। क्यों हम बाहर था करते हैं? बैग इसका नाम बिकी रखी है। इसका ऐसे करेंगे ट्रीटमेंट? ये तो वजन नहीं ले रहा है बिल्कुल, पैर पे दर्द है ना, बांध देते ना। सर इस वाले बैल का खुर है? देखा नहीं विकी, तुम पहले पूछ लेते हो। इजी इजी से तो कपड़े धुलते हैं। तो भी धुल जाएगा, याद रखिए। सर आप इसको बहुत नीचे हो, गोबर वोबर कर देगा आपको, पर आएगा भरखा मगर। तो सर अभी तो हम इसको फर्स्ट एड ही दे रहे होंगे ना सिर्फ, ये कंप्लीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। फर्स्ट एड दे रहे हैं। मैगेट वुंड्स भी है सर? मैगेट वुंड ही तो है सारा, ये खुर है इसका, खुर की जगह मैगेट वुंड है। देख लग रहा है तुझे एग्रेसिव है, कितना प्यार है बैग। इसको बोल बाबे बाबे, ये बोलेगा ना सारे। और जब सुई लगेगी फिर क्या बोलेगा? अगर आपको एक केस मिल जाए तो आप कैसे करोगे? मैं इसके हम जैसे मैं करती थी, इस बैग की टांग यहाँ पे बांध देती थी, और जैसे इसका खुरिया आ जाता था यहाँ पे बैंडेज कर बांध कर दो, यहाँ पे बांध के और यहाँ पे बैंडेज करो। ओह नाइस है। डॉक्टर साहब आप क्यों नहीं कर रहे वैसे? इतनी एक्सपर्टीज नहीं है मेरी अभी ना, जब होगी तब करना। अभी डॉक्टर साहब की एक्सपर्टीज नहीं है, अब ये लोग लटा के करते हैं। अच्छा, तो पहले हमारे पास इतने पर्सन भी नहीं थे, ठीक है, 2 पर्सन होते तो वैसे कर लेते थे। मेरी है कि नहीं पता नहीं चल रहा मुझे। तो सर इसके हम कौन सी वाली बैंडेज कर रहे हैं अभी? सब पैक कर रहे हैं जख्म को, अभी सर मैगेट्स मारने के लिए। वो समझा रहा है आपको, समझ जाओ आप, इसके खुर में चोट है, तो इसका खुर है हमारे पास, बचा इसका खुर? नहीं कुछ क्या नहीं है वैसे तो, नहीं है नहीं। तो फिर सर खुर तो वापस आता नहीं है ना कभी? खुर नहीं आता, पर थोड़ा टिश्यू आ जाएगा थोड़ा सा उसमें, हार्ट तो चल पड़ेगा, फिर वो वजन ले लेगा। हाँ फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको, तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम में रुकने वाला है यहाँ पे है। ठीक है सर, थैंक यू। कंप्लीट स्ट्रे है या? कितना आराम से बैठी है। इसको ये हो गया, ट्यूमर हो गया, वेजाइनल ट्यूमर। ट्यूमर बढ़ा हुआ? हाँ काफी बढ़ा है। इसकी स्प्रे हुई है? नहीं हो गई हुआ इसका, हो गई हो गई। कान कटा वो आगे कान जो फ्लैप है। हाँ ये अच्छे से पता चलता है, कुत्ते ने बाइट किया? नहीं नहीं, साइन होता है ना स्टरलाइज्ड डॉग का।
जाको चलो अंदर चलो चलो जाको चलो। मनी मन में गाली दे रही होगी अभी मुझे। जाको बेबी बहुत स्वीट है बट इसको अगर लीश दिख जाए या इसको कुछ ऐसे बोलते हैं ना जैसे इनको लगे कि मुझे ना पकड़ के लेके जाने वाले तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। हमें पता है आप इसको ठीक करोगे, पिछली बार आपने किया था। जहाँ से लाए वहाँ पर ही छोड़ के आना होता है। जी जी कई लोकेट भी नहीं होने दे सकते इनको। सही बात है, देखने भी नहीं है मेरी तरफ। नाराज हो गई अभी। गंदा बेटा है तो, कोई गंदा बच्चा नहीं है तो। इस डॉग की हमने अभी इनिशियल ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर दी है लेकिन कल हम इसके ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें हम लीवर और किडनी फंक्शन टेस्ट भी करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे अगर टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो। चंबी से रेलू का जो रोड है ना रास्ता, उस तरफ पे एक गाय है जिसको ओपन वुंड है फ्रंट लेग में, हम ला रहे हैं। जगह है नहीं फिर भी वही है ना कि इतना लोकल इतना पास का केस है, पता हाँ। नहीं मतलब अब बढ़ जाएगा फिर और दिक्कत होगी बाद में। जो ला रहे हैं अभी देखेंगे क्या करना है, पहले तो लेके आते हैं उसको। हमारी गाड़ी निकल रही है रेस्क्यू नंबर 2 के लिए। इसकी अगली टांग में ना चोट है इसकी। कैसी लगी इसको पता है कुछ आपको? नहीं भाई मेरे को नहीं पता, मैं तो अपना काम करने जाता हूँ। मैं तो देखा मैंने तब ना आपको फ़ोन किया। ले 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 तेरे वास्ते हम दिखा रहे हैं, तो पहले खा रहा हूँ बाकी बाद में देख जाना। बजा होगा यार भाई ये गाड़ी बूढ़ी से कर सकता है। ये तो पुराना लग रहा है लेकिन अब वो थोड़ा सा हो जाए। टिक्स भाभी क्या कह रहे हो? टिक्स ओ तिरपाल बांध देंगे चाचा। हाँ जी ये छोटा बच्चा कहाँ निकलेगा चाचा यहाँ से? नहीं सर। क्यों? बिल्कुल मना किया है। कैसे लग गया? नहीं डॉक्टर साहब करेंगे तू नहीं। आई बड़ी ट्रीटमेंट करना है डॉक्टर। बस हो गया, पेन किलर दे दिया हमने इसको। मेलनेक्स बच्चे 2 मिनट रुक जा। इसमें लग रहा है मैगेट भी है। मैगेट है इसमें भाई? यहाँ पे तो है पर भरा हुआ है ऐसे जख्म। पुराना लग रहा है ना? पुराना लग रहा है। हाइपोटोनिक वाली बैंडेज है ना? हाइपोटोनिक वाली। तो कल तक मैगेट मर जाएंगे। ठीक ट्रीटमेंट कर रहे हैं अभी 4 राउंड से है ना। पूरे बॉडी पे अप्लाई करेंगे इसको? नहीं रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही। अच्छा स्किन के ऊपर खुद फैल जाएगा। आज कुणाल शूट कर रहा था। हाँ मैं पहले बैकग्राउंड देता हूँ तुम्हें। विक्की जी की सुबह तबीयत खराब थी फिर वो आए नहीं, फिर दोपहर मैंने हाल चाल पूछने के लिए फोन किया तो विक्की घर पे थे इसलिए कुणाल शूट कर रहा था। फर्स्ट टाइम शूट किया। बस वो जो हमारा नया हुल है उसको फुट में इंट्री है वो खुल गया था और उसने जो छोटा वाला काफ आया उसको अपने सींगों से पूरा उठा दिया हुआ। ये इसने उसको उठाया? ओए बच्चे 2 जगह है। हाँ डॉक्टर साहब बहुत डीप है यार। डीप है यहाँ तक है, सींग पूरा घुस गया ना यहाँ पे। ओ अभी अगर आप पीछे आप आपके पीछे भी भाई क्या दिक्कत आ रही है देखो। ट्रीटमेंट किया इसका? हाँ जस्ट हम अभी करके गए थे, 5 मिनट भी नहीं हुआ बेचारा। तो अब क्या करेंगे हम अभी? सूचर कितना ऊपर उठाया था इसको? इसके चारों पैर ऊपर थे, जमीन पर लग गए थे चारों पैर। ये पावर ये सींग पे लटका था बस। हाँ सूचर के बाद लोरेक्सिन यूज कर रहे हैं ऑइंटमेंट। आते ही हाथ था। हाँ तो तब से लेटा हुआ है, अभी तक खड़ा नहीं होना? नहीं तो। मेरे को ये पूछना था उसका मसल फटा है सिंग के कारण या फिर सिर्फ ऊपर की स्किन? नहीं उसकी स्किन नहीं है फटी हुई, ऐसे मसल तो अंदर तक इतनी डीप तो नहीं था। या फिर से कुछ हुआ? क्या हुआ? क्या नाम है इसका? मजनू। लैला का मजनू। इतने बड़े बड़े बुल आ रखे हैं कि छोटे बछड़े और गायों के। तो जहाँ तक स्पेस का सवाल है वो तो तभी हमारे पास ज़्यादा होगी जब हम इस नए अस्पताल में शिफ्ट होंगे। तो काउ शेड में भी जो हमारे प्राइवेट कमरे बनने थे वो बन गए, अस्पताल का भी जो सारा मेसनरी और वेल्डिंग वाला काम था वो भी डन है, दरवाजे सारे लग गए, खिड़कियाँ सारी लग गई, कैनल्स में जो प्लेक्सी ग्लास लगना था वो हो गया।
अब बस हमारे जो छोटे छोटे फर्निशिंग वाले काम हैं वो पेंडिंग हैं, और उसमें मुझे लगता है 2-1 महीने मेरे लग जाएंगे। काम छोटे हैं, 10 दिन के हैं, पर जिस हिसाब से यहाँ पे काम होता है भाई, मौसम ख़राब है, सुख दुख लोगों का लगा रहता है, तो समय उसमें लगेगा भाई। अभी हमारे AC लगने हैं सर्जरी रूम्स में, और कैनल्स में पंखे लगने हैं, जगह जगह स्टेनलेस स्टील की हमारी ट्रॉलियाँ आनी हैं, वाटर फिल्टर लगने हैं, इस तरह के छोटे छोटे काम बाकी हैं। तो हमारी कोशिश तो यही थी कि हम मॉनसून से पहले पहले यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि मॉनसून में जो हमारा करंट क्लिनिक है वहाँ पे बड़ा हौज पौज हो जाता है, पर मुझे लगता नहीं है। और जब ज्योति ये ब्लॉग देखेगी तो बहुत फिर वो दुखी होगी।